हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लॉग में क्या करते हैं क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घूमने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। ये कानपुर सिटी है। कानपुर में एक छोटा सा मंदिर है श्री राधा कृष्ण का, जिसे हम लोग इस्कॉन टेम्पल मंदिर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, वृंदावन में भी है इस्कॉन टेम्पल। और ये देखिए मंदिर आ चुका है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का। हम लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी लॉक कर दी है। अब हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या सजावट हुई है, क्योंकि ये जन्माष्टमी का टाइम है तो सजा तो होगा मंदिर, क्योंकि श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। अब हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंट्री ले ली है। ये सेकेंड डोर है मंदिर का। यहाँ पर हम लोगों को स्लीपर उतारनी पड़ेगी, क्योंकि मंदिर के अंदर स्लीपर अलाउ नहीं है, तो हम लोगों को यहीं पर स्लीपर उतारनी है। यहाँ से हमको एक पैकेट मिलेगा, उस पैकेट के अंदर हम लोग को स्लीपर डालनी है और भैया वहाँ से एक टोकन देंगे, क्योंकि वापसी में जब हम लोग आएंगे तो टोकन हम लोगों को उनको वापस करना पड़ेगा, अपनी स्लीपर मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ्री काम होते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। अब हम लोग टोकन मिल चुका हम लोगों को, मंदिर के अंदर एंट्री लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है मंदिर में। पिट्टू हमारी सो रही है, ये हमेशा ऐसा करती है, जब देखो तब, हम लोग जब भी बाहर जाते सो जाती है। यहाँ पे देखिए गीता मिल रही है, कितनी प्यारी प्यारी से हैं। और हम लोग मंदिर के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, कितना सुंदर मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। जब बाहर से इतना अच्छा लग रहा तो अंदर से कितना सजा होगा। आइए अंदर एंट्री लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग मंदिर के पैर छुएंगे, फिर अंदर एंट्री लेंगे, देखते हैं क्या चल रहा है अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर सजा हुआ है, बहुत प्यारा मंदिर, सजावट बहुत अच्छी की गई मंदिर की। यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप है, यहाँ पर प्रसाद मिलता है, काफ़ी महंगा प्रसाद देते हैं यहाँ पर। ये देखिए हम लोग ने एंट्री ली, लोग जा रहे हैं देखने के लिए, भीड़ काफ़ी है, लाइन लगी हुई है। फिलहाल फ़ोन तो यहाँ पे अलाउ नहीं करते, बट हम लोग मानते नहीं, ज़बरदस्ती फ़ोन लेके जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। अब वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोगों से कैसे शेयर करेंगे। काफ़ी भीड़ है और मैं भीड़ में फंस चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि कैसे वीडियो लूँ, कैसे दिखाऊँ। ये देखिए कितने प्यारे से हैं और मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। दादी मेरे पीछे हैं और मेरे हस्बैंड तो दिख गए, मेरे हस्बैंड भी वहीं खड़े हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, काफ़ी भीड़ थी। चलिए आप लोगों को दर्शन तो मैंने करा दिए बड़ी मुश्किल से। आइए मंदिर के बाहर देखते हैं, ये प्यारा सा ग्रीन ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश का मौसम है लेकिन हल्की सी धूप है। शाम के टाइम अगर हम लोग यहाँ पर आते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि काफ़ी लाइट जल जाती है तो प्यारा लगता है। यहाँ पे छोटे छोटे झूले हैं बच्चों के लिए। अब मैंने बाहर आ गई हूँ मंदिर से, एंट्री ले ली बाहर, काफ़ी धूप है, दादी थक चुकी है मेरी काफ़ी ज़्यादा धूप की वजह से, हस्बैंड भी थक चुके हैं, बेबी मेरी जग गई है, देख रही है मैं कहाँ आ गई हूँ, सोच रही है मम्मा मुझे कहाँ ले आई हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा मंदिर था, दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। दादी ने मेरे भुट्टे खरीद लिए बाहर से और मुझे काफ़ी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि एक रोल पैक करा लेती हूँ। मैं मुझे इतनी भूख थी कि मैं गाड़ी में ही चालू हो गई, क्या करूँ, भूख लगी थी, भूख मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है। फाइनली घर आ चुकी हूँ अपने और काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।